राजेश जी इलेक्ट्रॉनिक्स गुरु में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गैस की फ्लेम जो है वो बहुत ही बीच बीच में प्रॉब्लम दे रही है, तो हम उसे क्लियर करते हैं। तो ये जो है फ्लेम अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, तो हम इसे सर्विसिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेंडर का रेगुलेटर जो है उसे ऑफ करना है, उसके बाद आपको इसे थोड़ा सा चला के देखना है। ओके, अभी इसमें कोई गैस नहीं है, तो यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन लेने के बाद ही आपको ये काम करना है। चलो स्टार्ट कर दे। ये निकाल दिया, नीचे साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ जो बटन दिया हुआ है उसे हमें सर्विसिंग करना है। इसके अंदर जो कार्बन आ जाता है, तो वो कार्बन की वजह से वो फ्लेम बराबर नहीं चलती। तो आपको सबसे पहले दो स्क्रू यहाँ से निकालने, ऊपर के दो स्क्रू, नीचे के दो स्क्रू, तो निकालते हैं। ध्यान रहे, ये जो है ये गैस का पाइप है। सबसे पहले हमें स्क्रूज को अलग करना है। का जो बर्नौल है उसे निकालना है। तो यहाँ साइड में स्क्रू है, इसे निकाल दिया। ये देखो, ये मैकेनिज्म है पूरा ऑन ऑफ स्विच का, जैसा बाइक में कार्बोरेटर होता है वैसा ही है। तो यहाँ से गैस पास होती है और यहाँ स्पार्क होता है और गैस स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इसके अंदर जो जेट है उसे जेट बोलते हैं, वो जेट को निकाल के क्लीन करना है। तो स्टार्ट कर दें। सबसे पहले इस नॉब को निकालना है। से निकालते वक्त हमें ध्यान में रखना है अंदर जो सेटिंग है वो सेटिंग को हिलाना नहीं है, जैसा है वैसा ही देखना है। ये स्प्रिंग है, स्क्रूज, यहाँ एक लीवर दिया हुआ है, लीवर पट्टी जो जाके यहाँ इस जगह पे टच हो जाती है और स्पार्क निकलता है। इसके अंदर जो है जेट बोलते हैं, ये देखो ये पूरा भरा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये पूरा पूरा कार्बन पकड़ा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर के जो होल्स है वो बंद हो जाते हैं। तो इसे क्लीन कर दें। आप इसे केरोसिन या आईपी से भी क्लीन कर सकते हैं। पूरा निकल रहा है इसके ऊपर का, काफी कार्बन इसके अंदर पकड़ा हुआ है। इसकी वजह से फ्लेम जो होती है कम ज़्यादा हो जाती है और अच्छी तरह से वो फ्लेम चलती नहीं कार्बन की वजह से। तो अभी इसे हम फिटिंग करेंगे। पूरा क्लीन हो गया, देख सकते हैं आप।
तो इसे लगाते हो, देखो इसमें जो स्लॉट दिया हुआ है वो स्लॉट आपको सीधा पकड़ना है स्लॉट को, और इसके अंदर ऐसा डालना है तो ये वर्टिकल जैसा आना चाहिए। ये जो है इसके अंदर सेटिंग दिया हुआ है, आपको ये स्लॉट में एडजस्ट करना है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक स्प्रिंग आएगा और ये लॉक। इसे इस तरह से डालना है, बाइक का भी कार्बोरेटर ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है, ये अलग है, उसमें फ्यूल आता है, इसमें गैस है। और ये गास्केट जो है इसको भी क्लीन करना है, इसे चेक करते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह से यहाँ पे स्पार्क होता है, देख रहे हैं आप, चलो अभी इसे इंस्टॉल कर दें। इसे इस जगह पे लगाना है, ये जो है पाइप परफेक्टली लगाना है आपको, लूज नहीं रखना है। ताकि इसके अंदर की गैस बाहर ना आ सके। ये भी अच्छी तरह से टाइट करना है, इसे हम लीक के लिए चेक कर लेते हैं, कोई गैस लीक तो नहीं हो रही है। लीकेज नहीं हो रही है तो देख सकते हैं, इसका फ्लेम भी बढ़ गया है। ओके, बाय बाय।